नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर है, बीजेपी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है निर्वाचन आयोग। नकुल नाथ के खिलाफ बीजेपी ने की है चुनाव आयोग में शिकायत। तो बीजेपी सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने की है चुनाव आयोग में शिकायत। आदिवासी नेता को अपशब्द कहने के खिलाफ की है शिकायत। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुपम राजन को सौंपा है ज्ञापन। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का बयान। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने कमलेश शाह पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। कमलेश शाह को गद्दार बिकाऊ कहने पर की शिकायत। नकुल नाथ पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराएगी बीजेपी। नकुल नाथ अपने बयान पर आदिवासी समुदाय से माफी मांगे, ये कहना है बीजेपी का। और चुनाव आयोग से भी कार्रवाई की मांग की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने नकुल नाथ के उस बयान को मुद्दा बना लिया है जिसमें नकुल नाथ ने कमलेश शाह, जो कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी में आए थे कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर, और इसके बाद कमलेश शाह को लेकर छिंदवाड़ा के मौजूदा सांसद और कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ का ये बयान सामने आया, जिसको लेकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा। और यहां पर सीईसी अनुपम राजन से भी बीजेपी ने नकुल नाथ के दिए उस बयान को, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में आपके पास? चेतन, चेतन आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर शाह ने कांग्रेस का दामन थाम भारतीय जनता पार्टी का दामन अपनाया था, उसके बाद से ही उनको तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो गद्दार बताने लगे और बिकाऊ बताने लगे। इस दौरान कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने भी उनको बयान दिया और भरी मंच से उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कमलेश्वर शाह भले ही भारतीय जनता पार्टी में चले गए हों, लेकिन ऐसे नेता जो गद्दार हैं और बिकाऊ हैं, ऐसे नेताओं की हमें आवश्यकता नहीं है। कहा जा सकता है कि इसको लेकर पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिन नेता को कमलनाथ और नकुल नाथ अपना खास मानते थे, वफादार मानते थे, और अब जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी उन पर आरोप लगाने लगे। अगर वो गद्दार थे, खुद्दार थे और बिकाऊ थे तो उन पर ये आरोप पहले क्यों नहीं लगाए गए, पहले उन नेताओं को क्यों आगे बढ़ाया गया? ये जाहिर सी बात है कि अब कमलनाथ की जमीन खिसकने लगी है, ऐसे में अब नेताओं का अपमान करने लगे हैं, आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। आज राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी निर्वाचन आयोग में शिकायत करने पहुंचे थे। उन्होंने नकुल नाथ पर SC/ST के तहत मामला दर्ज करने की बात कही है और उनसे ये भी कहा है कि जल्द से जल्द नकुल नाथ इस पर माफी मांगे। निर्वाचन की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अब 2024 का लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और 19 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव होना है, जिसमें कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव छिंदवाड़ा से लड़ रहे हैं, जहां पर तमाम पार्टी भारतीय जनता पार्टी 29 लोकसभा सीटें जीतने का मध्य प्रदेश में दावा कर रही है। और कांग्रेस की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी 5-7 सीटों पर चुनाव इस बार जीतेगी। लेकिन कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ है वहां पर सेंध लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहले कमलेश्वर शाह को अपने पाले में किया, उसके बाद आज एक विधायक जो वहां के विधायक हैं छिंदवाड़ा के, उनको भी अपने पाले में कर लिया। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नकुल नाथ का जो बयान दिया है नकुल नाथ ने आदिवासी समुदाय को लेकर, उसी बयान पर भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में नेताओं को खींचने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि निर्वाचन में शिकायत की गई है। फिलहाल निर्वाचन से आश्वासन दे दिया गया है, अब देखना होगा क्या नकुल नाथ पर FIR होगी या वास्तव में नकुल नाथ जनता से माफी मांगते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।